मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों के केवीएस कोचिंग में स्वागत है। मैं सोनू कुमार आप लोगों को नया लेकर आया है मॉडल सेट, जो कि बिहार बोर्ड में एकदम बहुत ही कारगर होगा। मॉडल सेट और विज्ञान का है, ये मॉडल सेट विज्ञान का है। देखिए, बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसका चार ऑप्शन देंगे और उसमें से सही टिक लगाकर आप लोगों को बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जनन का मतलब समझ रहे होंगे कि जनन क्या होता है, मैंने दूसरे पौधे बोने के लिए एक तो बीज चाहिए, उसको बोएंगे तो फिर पौधा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जड़ से तो मिलेगा नहीं, और पुष्प से ही क्या होता है, फल हो जाता है। यानी हमको लगता है कि 100% यही उत्तर सही है, और तना में भी नहीं मिलेगा और फल में भी नहीं मिलेगा, इसलिए पुष्प जो है यही मेरा सही आंसर है। देखिए, दो नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ए नंबर ऑप्शन है जंतुओं में, बी नंबर है कवकों में, सी नंबर है परजीवियों में, डी नंबर है हरे पौधों में। ध्यान से देखिए, तो आप लोगों को पता ही होगा, ध्यान से देखिए, इसका तो ए होगा नहीं, बी भी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं होता। इसका राइट आंसर है डी, राइट आंसर है डी। प्रकाश संश्लेषण कि क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है जल से, बी है ग्लूकोज से, सी है CO2 से, डी है डिक्टियोसोम से, डी है डिक्टियोसोम से। लेकिन आप लोग देखिए ध्यान से कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, तो इसमें राइट आंसर है जल से। इसका राइट आंसर क्या है, जल से। देखिए, चार नंबर क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। देखिए, एक बहुत सारा ग्रंथियां होती है, लेकिन इसने पूछा है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है यकृत से, अमाशय से, अग्नाशय से, मुंह से। ठीक, तो इसमें सोचिए एक बार आप लोग, चार ऑप्शन में कौन हो सकता है। देखिए, इसका राइट आंसर है बी, अमाशय से। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अमाशय से। देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन नंबर ए है एंड्रिलर, ऑप्शन नंबर बी है पीट्यूटी, ऑप्शन नंबर सी है मेंडुला, ऑप्शन नंबर डी है थायराइड। देखिए, फोर नंबर है यानी डी नंबर, थायराइड। अब इसमें देखिए ध्यान से सभी लोग कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सभी लोग पढ़े होंगे, इतनी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है सभी लोग पढ़े होंगे, ध्यान से देखिए कौन सा हो सकता है। तो देखिए, ए तो एंड्रिलर है, ये तो नहीं हो सकता है। बी जो है पीट्यूटी, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, इसलिए बी ऑप्शन के साथ हम चलेंगे, एकदम सही है बी। देखिए, छह नंबर क्वेश्चन है घेंघा रोग पनपता है। बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि घेंघा रोग हो गया किसी को, तो उसमें लक्षण क्या है, जो गला है ना यहाँ पे फूल जाना होता है, उसी का ऑप्शन है कि किसकी कमी से होता है, यानी कैसे पनपता है यही जानेंगे। देखिए, घेंघा रोग पनपता है, ए नंबर ऑप्शन है रक्त की कमी से, बी नंबर है चीनी की कमी से, सी नंबर है आयोडीन की कमी से, डी नंबर है मोटापा से। देखिए, इसमें सोचिए कि कौन सा हो सकता है, देखिए ध्यान से, और इसमें सबसे राइट आंसर है सी नंबर, आयोडीन की कमी से। देखिए, आयोडीन कहाँ मिलता है ये भी जान लेंगे, आयोडीन हमें नमक से मिलता है, इसलिए आयोडीन युक्त ही नमक खाना चाहिए हम लोगों को, कभी गर्म नहीं होगा। देखिए, सात नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। देखिए, हम लोग निजी जिंदगी में देखेंगे कि देहात के डॉक्टर हो चाहे कोई MBBS डॉक्टर साहब हो, वो ऐसे पट्टा एक हाथ में लगाते हैं, लपेट कर ऐसे स्पंज करते हैं, और कान में जो आला होता है स्टेथोस्कोप लगाकर नापते हैं। उस पूछा है ना कि उस यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए, ए नंबर ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, बी नंबर है एमीटर, सी नंबर है लैक्टोमीटर, डी नंबर है सिस्गमोमैनोमीटर। इसमें देखिए ध्यान से कौन सा हो सकता है, देखिए इसका राइट आंसर है डी नंबर, क्योंकि यही उस यंत्र का नाम है डी नंबर। देखिए, आठ नंबर सवाल, इसने पूछा है कि रक्त क्या है। रक्त समझ रहे होंगे सभी लोग, रक्त यानी खून जो हमारे शरीर में दौड़ता है, लाल उसका कलर होता है, लाल
वो हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अब समझेंगे कि रक्त क्या है, ए नंबर है पदार्थ है, बी नंबर है ऊतक है, सी नंबर है कोशिका है, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें सोचिए ध्यान से देखिए कि कौन हो सकता है, एक बार ध्यान से देखिए। देखिए पदार्थ तो होगा नहीं, ये कोशिका होगा नहीं, ये इनमें से कोई होगा नहीं, लेकिन ऊतक है। रक्त क्या है, ऊतक है। देखिए नौ नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मस्तिष्क माने ये होता है, देखिए सब ये इसका वजन कितना होता है, ये देखिए कभी भी इसको मतलब सही तरीके से यानी एक्यूरेट नहीं होता है, लगभग में आता है। तो देखिए यहाँ देखेंगे कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, ए नंबर ऑप्शन है कि 1.5 केजी टू 2 केजी, फिर बी नंबर है 0.5 टू 1.5 केजी, फिर सी नंबर देखेंगे 1.2 हाइफन 1.4 केजी, मतलब 1.5 केजी इसको कह सकते हैं, समझ में आ रहा है, 1.5 इसको 2 केजी कह सकते हैं, मतलब इतना से इतना, इतना से इतना और इतना से इतना। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए कौन सा हो सकता है, इसका राइट आंसर है सी नंबर, क्योंकि मानव मस्तिष्क का हमेशा दिया रहता है कि 1350 ग्राम करके दिया रहता है या 1400 ग्राम, अगर दोनों ऑप्शन रहे तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए 1350 14 में कोई भी हो सकता है, इनमें से दोनों हो सकता है, यह शॉर्ट में लिखा हुआ है 1.2 यानी 1200 हो गया, 1.1 यानी 1400 ग्राम, तो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, इसलिए सी राइट आंसर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। देखिए हम लोग जनरली जब बाइक चलाते हैं चाहे ट्रक चलाते हैं तो देखिए ट्रक ड्राइवर जो है वो अपने साइड में आईना लगा होता है कि पीछे की वस्तु को देखा जा सके, वही पूछ रहा है कि साइड मिरर में मतलब उत्तल लेंस लगाएंगे, ए नंबर ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी नंबर अवतल लेंस, सी नंबर उत्तल दर्पण, डी नंबर अवतल दर्पण। तो देखिए इसने क्या पूछा है, दर्पण पूछा है, तो लेंस वाला तो ऐसा ही गलत हो गया, लेंस वाला क्या हो गया गलत हो गया, और दर्पण में क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस का क्या होता है फोकस दूर होता है यानी छोटा वस्तु दिखाई देता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन हो गया सी। ठीक राइट ऑप्शन क्या हो गया सी। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। देखिए अवतल लेंस पूछा गया, लेंस और दर्पण में अंतर होता है, आप लोग भी जानते हैं दर्पण और लेंस में अंतर होता है, तो ए नंबर ऑप्शन दिया है आभासी, बी नंबर है सीधा, सी नंबर है छोटा, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, और ध्यान से देखिए इनमें कौन सा हो सकता है, ध्यान से देखिए। देखिए चलते हैं, आभासी तो हो नहीं सकता अवतल लेंस में, सीधा भी नहीं हो सकता और छोटा भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक को सभी समझते हैं कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एक पद्धति है जो दिया गया है। अब देखिए ए नंबर ऑप्शन है जूल, बी नंबर है जूल पर सेकेंड, सी नंबर है जूल पर सेकेंड स्क्वायर, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका गेस कीजिए, आंसर गेस कीजिए तो कौन सा हो सकता है। देखिए इसका राइट आंसर है ए जूल। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है, अस्पष्ट यानी कोई भी आंख जो है मानो जैसे मेरा जैसे किसी का भी हो, मतलब अस्पष्ट देखने के लिए कितना दूरी आवश्यक है न्यूनतम। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 25 मीटर, बी दिया है 2.5 सेंटीमीटर, सी दिया है 25 सेंटीमीटर, डी दिया है 2.5 मीटर। तो आप लोग गेस कीजिए, तुरंत गेस कीजिए कि इसमें से कौन सा हो सकता है। देखिए 25 मीटर तो बहुत दूर हो जाता है, ये तो होगा नहीं, 2.5 ये भी नहीं हो सकता है, और सी नंबर ऑप्शन जो है यही मेरा है राइट आंसर। देखिए और डी भी नहीं हो सकता, इसलिए 25 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर ही माना गया है, हम इतने ही दूर तक स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में हम डाल चुके हैं कि कितने नियम होता है, तो समझेंगे। देखिए प्रकाश का जो परावर्तन है, यहाँ से एक मान लीजिए सतह होता है, यहाँ से एक ऐसी सतह होता है, इस तरह से प्रकाश आता है और यहाँ से लौट जाता है, तो ये आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही सतह में होता है, ये एक नियम हो गया, और जो है ये जो एक नियम हो गया और आपतन कोण परावर्तन कोण
के समान होते हैं, यानी कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होते हैं। तो दो नियम, तो हमेशा से याद रखिए कि इसका दो नियम होता है, एकदम एग्जाम में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी होगा। इसका राइट आंसर क्या है? बी होगा, क्योंकि इसका दो नियम होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी शादी विवाह में फोटोग्राफी या कैमरा होता है, चाहे मोबाइल से भी हो रहा है, तो उसका जो लेंस लगा होता है कैसा होता है। मतलब वही पूछ रहा है सवाल कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, जो लेंस होता है ना कैसा होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी नंबर है अवतल लेंस, सी नंबर है उत्तल दर्पण, डी नंबर है अवतल दर्पण। तो देखिए ये हमेशा से जान लीजिए, आप ही देखिए एक बार ध्यान से देखिए कौन सा हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए उत्तल लेंस के बाद ये काम करता है, ठीक है। देखिए जो भी हम इतना क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक बताए हैं साइंस का, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, भी आए हैं। इसको पूरा मतलब देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में आने का मतलब एकदम चांस है, एकदम 100% चांस है कि इसके क्वेश्चन आएंगे। और ये सभी क्वेश्चन साइंस से थे, ठीक। और अगले वीडियो में हम आएंगे बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट है उसको लेकर आएंगे, इसके बाद का जो बचा हुआ है उसको कराएंगे। और KBS कोचिंग में जो भी बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उसको बढ़िया से वॉच कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर।